हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आई एम सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। और जैसा कि हम लोग गेट सीरीज को स्टार्ट किए थे और उसी सीरीज को, गेट एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट किया है, लास्ट लेक्चर्स में हमने टू पोर्ट नेटवर्क कवर किया था। टू पोर्ट नेटवर्क में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लॉजिक देखा था, उससे रिलेटेड कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो सब चीज़ें जानी थी हमने। इस क्लास में हम रिजोनेंस के बारे में जानेंगे कि रिजोनेंस होता क्या है, क्योंकि रिजोनेंस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क भी होते हैं। मतलब प्रीवियस अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 सालों में रिजोनेंस पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से फ्रेम हुए हैं और पूछे भी गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है गेट 2018 का, ठीक है, 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिजोनेंस होता क्या है, ठीक है। तो रिजोनेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे और कैसे सर्किट में हमें रिजोनेंस को अप्रोच करना है ये चीज भी देखेंगे। तो रिजोनेंस का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, क्लियर, ठीक है, ये हमारा सोर्स, ठीक है, और इसकी वजह से करंट आई है, क्लियर। कोई भी नेटवर्क अगर हमारा है तो रिजोनेंस कंडीशन का मतलब यह होता है कि जो पावर डिसिपेशन है वो पीक हो, यानी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होने का मतलब क्या है, इस नेटवर्क में क्या होगा, जो पैसिव एलिमेंट्स होंगे आर एल और सी होंगे, क्लियर, ठीक है। तो रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे। रिजोनेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, क्लियर। मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड का मतलब ये हो गया, देयर इज नो रिएक्टिव पावर, क्लियर, यानी जितना आप इनपुट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, प्योर रेजिस्टिव पावर के बराबर हो जाए, यानी एक्टिव पावर के बराबर हो जाए, क्लियर, नो रिएक्टिव पावर, ठीक है। नो रिएक्टिव पावर का मतलब ये हो गया कि इमेजिनरी पार्ट अगर मैं बात करूं तो इमेजिनरी पार्ट अगर मैं इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालूं, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपेडेंस, जो भी इंपेडेंस की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं उसका इमेजिनरी पार्ट यानी जेड की वैल्यू समथिंग वी अपॉन आई आएगा, ये समथिंग कुछ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जे टाइम्स ऑफ, ये आपका जे टाइम्स का मतलब ये होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये समथिंग आर प्लस जे एक्स के फॉर्म में होगा, एक्स की वैल्यू जीरो हो जानी है। एक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो इम्पिडेंस है वो प्योर रजिस्टेंस हो गया। प्योर रजिस्टेंस होने का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा जो पावर है वो रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगा, यानी प्योर एक्टिव पावर आपको मिल जाएगा। जेड इक्वल टू आर आने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज वी अपन आई की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। वी अपन आई की वैल्यू आर होने का मतलब क्या हो गया, वी इक्वल टू आई आर। और प्योर रजिस्टर में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज एंड करंट इज इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पावर फैक्टर है, सेम फेज में होने का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज के सेम फेज में आपको करंट मिल जाएगा। यानी अगर एंगल की बात करें तो एंगल जीरो हो गया, जीरो एंगल होने का मतलब क्या हो गया, फाई की वैल्यू जीरो, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिटी। यानी आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आपका जो पावर फैक्टर होगा ये यूनिटी पावर फैक्टर होगा, क्लियर। तो रिजोनेंस का मतलब सीधा साधा मतलब यही है कि इमेजिनरी पार्ट को हमें जीरो करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपेडेंस एज वेल एज एडमिटेंस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और वाई। अगर पैरेलल कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे हम ऑब्वियस ही बात है एडमिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री होता है, तो वहां बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाता है, तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पावर फैक्टर मस्ट बी यूनिटी, क्लियर, एंड जेड इज प्योर रेजिस्टिव नेचर, क्लियर। तो बस यही दो तीन चीजें हैं, इसी को दिमाग में रखते हुए हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है
और क्वेश्चन को हमें सिंपली सॉल्व करना होता है। तो रेजोनेंस का सिंपल सीधा सारा मतलब यह है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी गई है, क्लियर, जहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने सिंपल केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना है, इंपीडेंस के टर्म में हो या एडमिटेंस के टर्म में, और हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना, और कुछ हमें क्वेश्चन में नहीं करना। क्लियर? तो थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया मैं सीरीज रिजोनेंस और पैरेलल रिजोनेंस का दूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जेड और वाई ये दो टर्म है, इनकी वैल्यूज को हमें जीरो करना होता है, तो इमेजिनरी पार्ट को, तो कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो सिंपली सीरीज रिजोनेंस और पैरेलल रिजोनेंस का थोड़ा सा मैं बस ब्रीफ आइडिया देता हूं यहां पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस सीरीज रिजोनेंस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन देखो कुछ भी पूछा सकता है, क्वेश्चन यहां पे तो आपका सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सीरीज रिजोनेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कोई सर्किट है, ठीक है ना, रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है और ये एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अटैच है, क्लियर, आर एल एंड सी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसकी वोल्टेज वी है और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा, रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, 2πf के बराबर होता है, क्लियर। तो सीरीज पार्ट में क्या होगा कि आप इसका इंपीडेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी, जेड इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो आर है, यहां पे क्या आएगा जे एक्सएल, और ये क्या होगा आपका माइनस जे एक्सी। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कई सारे लेक्चर्स में अपने कि माइनस जे एक्सी क्यों होता है, क्योंकि इंडक्टर में अगर हम देखें ना, तो इंडक्टर जैसे करंट यहाँ पे रेफरेंस हो गया, तो इंडक्टर में प्योर लैगिंग इफेक्ट होता है करंट का, तो वीएल जो है इससे 90 डिग्री लीड करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस जे एक्सएल साइन आ जाता है। और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जे साइन आ जाता है, माइनस जे ये बताने के लिए कि ये इससे करंट से लैग कर रहा है। तो जेड की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आर प्लस समथिंग जे एक्सएल माइनस जे एक्सी के बराबर होगा, क्लियर, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे जे ओमेगा लिखिए और 1/jωc लिखिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जेड इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/jωc, ठीक है। ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस जे आ ही जाएगा, तो आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाई ओमेगा सी, बात बराबर है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर और एक्सी की वैल्यू 1/ωc के बराबर, क्लियर। तो हमें बस ये जानना है कि हाँ मतलब लीडिंग इफेक्ट और लैगिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके बेसिस पे क्या हो जाता है। अब ये सीरीज रिजोनेंस में होने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो हो जानी है, तभी तो ये सीरीज रिजोनेंस में आएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जहां पे एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको हमने मान लिया ओमेगा नॉट, तो ये एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट एल के बराबर माइनस 1/ωc की वैल्यू जीरो, यानी यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC आ जाएगा। दिस इज द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर द सीरीज सर्किट, क्लियर, ठीक है। यहां पे तो ये सिंपल सीरीज सर्किट है, करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। आप बस सिंपल फंडा यही जानिए कि इमेजिनरी पार्ट को हमें किसी तरह से जीरो कर देना है तो हमें सर्किट रिजोनेंस में मिल जाएगा। रिजोनेंस में होने का मतलब पावर फैक्टर मस्ट बी यूनिटी, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का फेजर डिफरेंस जीरो होगा, क्लियर। तो जैसे हमारा सीरीज रिजोनेंस का लॉजिक है, वैसे ही हम पैरेलल रिजोनेंस के लिए भी देख सकते हैं। पैरेलल रिजोनेंस में क्या हो जाएगा आपका, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज रिजोनेंस में हम इंपीडेंस को अप्रोच कर रहे हैं और पैरेलल में हम एडमिटेंस को करेंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और एक चीज और कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी, जैसे सीरीज रिजोनेंस में क्या हो रहा था, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जा रहा था, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि ये आर एक्सएल एंड एक्सी, यानी जो ये इमेजिनरी पार्ट यानी जो एल और सी सर्किट बना रहा है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी जो रिजोनेंस में आपका सर्किट बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये सर्किट बन के आएगा, सिंपली आर और यहां पे आपके वोल्टेज सोर्स, क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी सीरीज सर्किट में इमेजिनरी पार्ट जीरो होने पे, चूंकि इंपीडेंस जीरो हो रहा है, इंपीडेंस जीरो होने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट,
क्लियर। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब प्योर रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ही यहां पे ले रहा हूं, आर एल और सी को पैरेलल कर दे रहा हूं। तो पैरेलल कंडीशन में हमेशा आप एडमिटेंस पे फोकस करिएगा, आप इंपीडेंस पे फोकस मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? क्योंकि एडमिटेंस का हम सीधे सीधे सम निकाल सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू समथिंग वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री के बराबर। यानी अगर ये आर रेजिस्टेंस है इसका, इसका इंपीडेंस एक्सएल है और इसका आपका एक्स सी है। क्लियर। तो हम क्या लिखते हैं इसको, जे एक्सएल, और इसको लिख देते हैं हम माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो अगर आपको टोटल एडमिटेंस निकालना है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडमिटेंस का मतलब इंपीडेंस का जस्ट रिवर्स। क्लियर। यानी 1 बाई आर वन प्लस वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई जे एक्स एल प्लस वाई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन माइनस जे एक्स सी। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई आर वन, ये आपका प्लस माइनस, ऊपर नीचे हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे बाई एक्स एल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा प्लस जे बाई एक्स सी। क्लियर। तो यहां भी वही चीज हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने का मतलब क्या हो गया, 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स एल प्लस 1 बाई एक्स सी की वैल्यू जीरो हो जाना। अब ये जीरो होने का मतलब क्या हो गया, यहां से आप क्या देख रहे हैं कि एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाना, यानी यहां भी ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाई रूट एल सी के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने सिंपल एक पैरेलल लिया। ये मैं क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे भी लॉजिक है, ये बताने के लिए कैसे बिहेव करेगा। जैसे वहां पर सीरीज एल सी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, यहां पर पैरेलल एल सी सर्किट है, ये कैसे बिहेव करेगा। देखो यहां पर, यहां पर क्या हो रहा है, एडमिटेंस का टर्म जीरो हो जा रहा है। क्लियर। एडमिटेंस जीरो होने का मतलब क्या हो गया, इंपीडेंस क्या हो जाएगा आपका, हमारा क्या हो रहा है, वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू जीरो हो जा रही है। यानी हम देखें तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडमिटेंस जीरो हो रहा है। एडमिटेंस जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो इंपीडेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जेड टू प्लस थ्री का, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्लियर। क्योंकि ये इनवर्स ऑफ एडमिटेंस होता है, टेंडिंग टू इंफिनिटी होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सिंपली प्योर रजिस्टर यहां पे आ जाएगा और ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव हो रहा था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एडमिटेंस जीरो हो रहा है। क्लियर। एडमिटेंस जीरो होने का मतलब इंपीडेंस इनफाइनाइट, यानी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, पूरा पूरा करंट क्या हो जाएगा, प्योर रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर जाएगा। ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस है, आप वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हैं कि आपको प्योर रजिस्टिव नेचर मिलना है, यानी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और ये तभी नहीं होगा जब ये ओपन सर्किट होगा, सिंपल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। क्लियर। अब यहां पे क्या है कि पूरा का पूरा करंट रेजिस्टेंस के ही थ्रू फ्लो करना चाहिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये शॉर्ट सर्किट होगा तभी इसका नेचर प्योर रेजिस्टिव रहेगा। क्लियर। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को अपने जहन में रखिए और इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। जैसे यहां का क्वेश्चन है तो ये तो अलग ही क्वेश्चन है, ये तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे कि जिसमें हम इस लॉजिक का यूज करके सीधे सीधे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर तो रेजोनेंस का लॉजिक आपने समझ ही लिया है यहां पे। तो द वोल्टेज वी टी अक्रॉस द टर्मिनल ए बी एज सोन इन द फिगर इज अ साइनोसोइडल वोल्टेज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है 100 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में आपको गिवन, व्हेन द इंडक्टर आई टी इज इन फेज विद वोल्टेज वी टी। देखो यहां पर वी टी एंड आई टी इज इन सेम फेज, यानी रिजोनेंस के जो कंडीशन को मैंने बताया, जो एक्सप्लेन किया, उसको उसने सीधे रिजोनेंस न लिख के क्या लिख दिया, वीटी और आईटी इन सेम फेज में, यानी ये क्या हो गया, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस हो। क्लियर। यानी पावर फैक्टर यूनिटी होगी। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपीडेंस जेड, जेड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि जेड की वैल्यू क्या होगी बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, यानी ए और बी के अक्रॉस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि वी टी और आई टी रेजोनेंस कंडीशन में, यानी सेम फेज में है, तो जेड जो आएगा वो प्योर रजिस्टिव आएगा, यानी प्योर रियल आएगा। क्लियर। इमेजनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाना है और हमें जो जेड मिलेगा
वो क्या मिलेगा, प्योर रजिस्टिव मिलेगा। तो हमें क्या करना होता है ना, थोड़ा सा यहां पे हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पे आपको केवल और केवल रियल पार्ट से मतलब है, इमेजिनरी पार्ट पे कोई वर्क नहीं करना। आपसे इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे सिंपली ये पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ द इंपीडेंस क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी वीटी और आईटी इन फेज है तो रिजोनेंस का कंडीशन है ये। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका कि 100 एंड 100 माइक्रोफेरेड, ये क्या है आपके, अगर मैं यहां से XC की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो XC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई ओमेगा सी। क्लियर? यानी 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 इंटू 100 माइक्रोफेरेड यानी 100 इंटू 10 पावर माइनस 6। क्लियर? तो XC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 पावर माइनस 4 एंड 10 पावर माइनस 2 यानी 100 ओम XC की वैल्यू हमें मिल जानी। देखो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 2 ऊपर चला गया, तो ये आपका आ गया XC की वैल्यू 100 ओम। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, फिर ये इसके सीरीज में है। तो अगर मैं जेड की वैल्यू निकालने बैठूं तो जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आर इज पैरेलल विद एक्ससी, तो हमें क्या लिखना है, आर इंटू माइनस जे एक्ससी अपॉन आर माइनस जे एक्ससी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपको करना ही होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस जे एक्ससी लिखते हैं हम, और ये आपका जे एक्सएल होता है, और ये तो रेजिस्टेंस आर रहेगा ही रहेगा। क्लियर? प्लस जे एक्सएल के बराबर। क्वेश्चन को अप्रोच करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप टाइम वेस्ट न करें। टाइम वेस्ट का सेंस ये बन जाता है कि ये जे एक्सएल है, फिर इमेजिनरी पार्ट को रख के उसको जीरो करने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होना ही होना है, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है। क्लियर? तो आपने सिंपली क्या करना है कि रियल पार्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको माइनस जे आर एक्ससी अपॉन आर माइनस जे एक्ससी, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आर प्लस जे एक्ससी इंटू आर प्लस जे एक्ससी। क्लियर? ठीक है, प्लस जे एक्सएल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी हमारी, माइनस जे आर स्क्वायर एक्ससी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जे स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, और ये आर एक्ससी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जे एक्सएल। मैं फिर कह रहा हूं यहां पे आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, रियल पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जे आर स्क्वायर एक्ससी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जे एक्सएल। क्लियर? ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि ये रिजोनेंस का कंडीशन गिवन है। तो सिंपली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट के बराबर, यानी जो आपका रियल पार्ट आएगा उसके बराबर ही आपका इंपीडेंस हो जाएगा। तो सिंपली कैलकुलेट कर लो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जानी है, जेड इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाना है, क्योंकि ये रिजोनेंस का कंडीशन। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ रहा है, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। सारी वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। सब क्या है, 100 ओम के बराबर है, तो 100 इंटू 100 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 बाई 2 आ जाएगा, और आपको आंसर मिल जाएगा 50 ओम। क्लियर? यानी आपका 2 डेसिमल डिजिट तक पूछा है, तो सिंपली यहां पे 2 डेसिमल डिजिट तक तो जा नहीं रहा है, सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 50। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, आपको बेवजह उसको जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करें, अगर मान लो आपसे पूछ देता कि इस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या होगी, आपसे अगर मान लो पूछ देता, फाइंड, मान लो इसी क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन 2 ले लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ एल। क्लियर? ठीक है, रिजोनेंस का कंडीशन है, उस कंडीशन में हमने इंपीडेंस निकाल लिया है। अगर मुझसे पूछ रहा है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एक्सएल माइनस आर स्क्वायर एक्ससी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो वैल्यू बस हमें पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा हमारा।
तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। एक्सएल का मतलब क्या हो गया, ओमेगा एल, ओमेगा एल का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू एल इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर यानी 50। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2 हेनरी। क्लियर, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करो एट दिस कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा सकता है। अब इसने दे दिया कि आई टू मतलब पावर डिसिपेटेड, मान लो क्वेश्चन 3, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। तो सिंपली क्या हो जाना है, देखो यहां पे आपका जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूंगा तो इक्विवेलेंट सर्किट सिंपली क्या बन जाएगा, प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव का मतलब क्या हो गया, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है यानी 50 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वीटी, और ये करेंट आईटी है। क्लियर, अगर आपसे पावर डिसिपेटेड पूछता इन सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द सोर्स वोल्टेज इज 50 वोल्ट, अगर सोर्स वोल्टेज आपका 50 वोल्ट होता तो उस कंडीशन में ये पावर डिसिपेटेड पूछ सकता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगा सिंपली उसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 50 ओम का रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पावर डिसिपेटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, यानी 50 स्क्वायर अपॉन 50, यानी ये क्या आ जाएगा, 50 वॉट के बराबर। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि VT आपको दे दिया है, मतलब V की वैल्यू आपको दे दी गई है 50 वोल्ट। तो अगर आपसे IT पूछेगा तो क्या हो जाएगा, VT अपॉन 50 ओम के बराबर, यानी 1 एम्पीयर के बराबर। तो क्वेश्चन का जो तरीका है ना, वो कुछ भी आपसे पूछा सकता है। आपको दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस के कंडीशन क्या होते हैं, और कुछ नहीं करना। क्लियर, इमेजिनरी पार्ट को केवल और केवल जीरो करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि, रेजोनेंस का मतलब जो होता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि वोल्टेज और करंट मस्ट बी इन सेम फेज एंड पावर इज द पीक, यानी टोटल पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू वेरी मच।